नियति का खेल कहे या महज एक इत्तेफाक, जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था उसी तारीख को आज कोर्ट में सजा हुई है सपा विधायक इरफान सोलंकी की। जानकारी देने के लिए हमारे पास मौजूद है डीजीसी दिलीप अवस्थी। दिलीप जी, क्या हुआ है कोर्ट में और क्या सजा हुई है? 3436 और 149 में 7 वर्ष की सजा हुई है और 20,000 जुर्माना हुआ है। कुल मैक्सिमम सजा 7 वर्ष और 30,500 का जुर्माना हुआ है और सारी धाराओं में उनको दोषी पहले कर दिया गया, सारी धाराओं में सजा कर दी गई है। सबसे मैक्सिमम सजा 7 वर्ष है और ये कहा गया 7 वर्ष की कठोर कारावास के लिए कहा गया है और कुल 30,500 जुर्माना किया गया है। हम सब लोग आदेश का परिशीलन करेंगे। अगर लगता है कि आदेश के परिशीलन में कुछ सजा हमारे लिए कम हुई है, हम उसके लिए अपील ले भी जाएंगे कि हम सजा और मैक्सिमम कराएं। हमारे आधार में सजा आजीवन कारावास होनी चाहिए थी, 7 वर्ष हमारे लिए कम है, फिर प्रयास करेंगे। न्यायालय का आदेश का सम्मान है और न्यायालय को जो है अधिक से अधिक हम लोग आदेश पहले परिशीलन कर लें, इसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। 7 साल की सजा सिर्फ इरफान को हुई है या सभी आरोपियों को? सभी आरोपियों को हुई है। तो अब ये मान लिया जाए कि अब चूंकि 2 साल से ऊपर में विधायकी चली जाती है तो अब सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी चली जाएगी विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद? हाँ, ये हमारा काम, हम इस न्यायालय के द्वारा जो प्रदत्त आदेश है उसको माननीय जिलाधिकारी महोदय को करेंगे। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे तत्काल इसको विधानसभा भेज करके इस पर उचित कार्रवाई उसको अमल में लावे। अब सजा याफ्ता होने के बाद इरफान सोलंकी को उसी जेल में रखा जाएगा या उसकी जेल बदलेगी? नहीं, ये तो प्रशासन का सजा याफ्ता होने के बाद उसकी संभवतः सेंट्रल जेल के लिए उसको करेंगे, लेकिन ये न्यायालय प्रशासन के ऊपर है कि वो कहाँ रखता है, क्योंकि अभी उनके पास अपील का प्रावधान है, हमारे पास अपील का प्रावधान है। जब तक अपील 40% वादनी को मिलेगा। किसका वादनी को मिलेगा? वादनी जो है जिसका घर जला था अग्निकांड, जिसे घर में हुआ था, कन्नी जेला की माता जी, उनके लिए जितना 30,500 जुर्माना हुआ है इसका 40% वादनी को दिया जाएगा। ये 30,500 रुपए जुर्माना एक अभियुक्त के ऊपर, सभी के ऊपर 30,500 रुपए सभी अभियुक्तों के ऊपर है। तो आप दिलीप अवस्थी जी ने बता दिया साफ तौर पे कि सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और अब चूंकि 2 साल से ऊपर में विधायकी चली जाती है तो अब विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर है कि अगर वो उसको कैंसिल कर देते हैं तो फिर इरफान सोलंकी की विधायकी चली जाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।